नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप देखना शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। आज मुद्दा नहीं है पर आज दर्द है, और दर्द ऐसा है कि जिसको बयां करना शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि दर्द जब हमारे देश की महिलाओं के खिलाफ होता है, जब महिलाओं पर होता है और आधी आबादी को होता है, वो महिलाएं जो हमारे देश की विकास की धारा में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, और जब उनके खिलाफ कोई मामला होता है, उनके असमत से खेला जाता है, या ऐसी घटना होती है जो ये सोचने मजबूर कर देती है कि हम बातें करते हैं महिला को बचाने की, आगे बढ़ाने की हम बात करते हैं, आगे बढ़ने की हम बात करते हैं, उनको शिक्षा मुहैया कराने की हम बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की हम बात करते हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं की कि हम महिलाओं के लिए बेहतर काम करते चले जा रहे हैं, और हम समय समय पर NCERB की आंकड़े पेश करते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत बेहतर हैं। हम ये भी दिखाते हैं कि हम महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये भी दिखाते हैं कि महिला संबंधी अपराधों में कमी आई है। हम ये भी दिखाते हैं कि महिलाओं को आज इज्जत से देखा जा रहा है, पर जब हम स्त्री देखते हैं, जब हम मामले देखते हैं और लखीमपुर के निकासन जैसी घटना देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि ये आंकड़े केवल केवल मन को प्रसन्न करने वाले हैं, सच्चाई कुछ और है। और सच्चाई ये है कि आज भी न्याय संहिता से कोई डरने वाला नहीं नजर आ रहा है, आज भी प्रशासन से केवल नाम है, कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो 6 लोग ऐसे कोशिश नहीं करते कि 2 नामालिक जिनकी उम्र मात्र 17 साल मात्र 15 साल है, उनके साथ दुष्कर्म करते, उनका गला दबा के हत्या करते और फिर उनको गर्दन के रस्सी लपेट कर पेड़ से टांग देते। ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था में कमी है। ये बताता है कहीं ना कहीं हम बात तो कर रहे हैं विश्वगुरु बनने की, पर कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं में कमी है। हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं डर जो अब तक हमारी न्याय व्यवस्था में नहीं आ पाया है, जिसके कारण ऐसी दरिंदगी करने वाले लोग बसते रहते हैं। क्यों? लखीमपुर के निकासन में जो घटना हुई है वो घटना स्पष्ट बताती है कि कहीं ना कहीं हम बात तो जरूर करते हैं पर कुछ अब तक बेहतर नहीं कर पाए हैं। हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पर अब तक हमने देखा है कि जो ये घटनाएं होती हैं, हम 2014 का बदायूं कांड की याद करें, 28 मई 2014, जहां पर ऐसी घटना हुई थी, वहां पर नाबालिगों को मारकर दुष्कर्म करने के बाद वहां पर उनको हत्या करने के बाद उनको पेड़ पर टांग दिया गया था, फांसी पर लटका दिया था। और ऐसे ही दूसरी घटना हुई थी हाथरस में 2020 में, जहाँ पर भी बड़ा मामला गरमाया था, और मामला इतना गरमाया गया था कि आज तक हाथरस कांड चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उनकी यादों में सरोवर है। आज भी उनको समय समय पर ये हाथरस कांड याद रहता है। जब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है तो हाथरस कांड की याद जरूर आती है। हाथरस का भी कांड ऐसा हुआ था, और क्या वहाँ पर हुआ था ये सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा कांड यानी कल लखीमपुर के निघासन में, जहाँ पर 2 बालिका नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, हत्या और फिर उनको पेड़ से सहारे रस्सी से बांध के टांग दिया गया, मानवता शर्मसार। और इस पर सुनते हैं बयान, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है, और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहाँ तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। और मैं विपक्ष के, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वह श्रीमती प्रियंका मैडम हों, और चाहे वह सुश्री मायावती जी हों, उनसे ये अपेक्षा करूँगा कि ऐसे, मतलब जब दुख की घड़ी एक परिवार के लिए खड़ी है राजनीति करने की जगह, और उस परिवार को कोई सांत्वना दे सकता है तो वो जरूर देने का काम करे। लेकिन मैं आज के दिन यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। कोई भी अपराध करेगा वह न बचा है और न भविष्य में भी बचने पाएगा, न इस अपराध को जिसने अंजाम दिया है, इस अपराध को करने वाले भी बचने पाएंगे। यह एकदम सरकार की ओर से स्पष्ट है। फिर से लखीमपुर की घटना ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS दलितों के प्रति किस तरीके की नफरती सोच और नियत रखता है।
लगातार प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद घटनाएं बढ़ती चली जा रही। उम्भा में भयानक नरसंहार हुआ अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ, उसके बाद हाथरस में वही पुनरावृत्ति हुई, बुलंदशहर में भी उसी तरीके से घटना को दोहराया गया। आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी, क्या दलित समाज को प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या दलित समाज इस देश के नागरिक नहीं है? उनके लगातार अधिकारों का हनन, बलात्कारियों और हत्यारों का संरक्षण, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के प्रति कितनी नफरत रखती है। लखीमपुर में जिस तरीके की घटना हुई वो भयावह निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हम मांग करते हैं इस सरकार से कि जो दोषी है उन्हें ऐसा दंड मिले कि वो भविष्य में इस तरीके की घटना दोहराने की हिमाकत न कर सके। लखीमपुर खीरी के निघासन में दो हिंदू बेटियों की जिस प्रकार से बलात्कार के बाद निर्मम हत्या की गई, हमें बड़ा क्षोभ है, दुख है, आक्रोश है हमारे मन में। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना उसकी निंदा करती है। हम लोग तत्काल लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए निकल रहे हैं ताकि पीड़ित परिवार से मिलें और न्याय दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। बहुत आश्चर्यचकित हूँ ये देख के कि लखीमपुर में जो भी घटना हुई थी पिछले दिनों, उस समय राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, सपा वाले, कांग्रेस वाले, ये सारे नेता ऐसे दौड़ रहे थे सड़क पर लेट लेट के, रास्ता बदल के, खेतों में से निकल के लखीमपुर खीरी को इन्होंने अड्डा बना लिया था राजनीति का। अब ये सब कहाँ है? वही लखीमपुर खीरी है। और अब किसी मंत्री की जीप के नीचे कोई दुर्घटनावश कुचल के नहीं मारा है, अब तो साजिशन इरादतन दो बेटियों का बलात्कार हुआ और फिर उनकी निर्मम हत्या हुई। तो अब कहाँ है प्रियंका दीदी? अब कहाँ है राहुल भैया? राहुल भैया यात्रा कर रहे हैं तो प्रियंका दीदी आ जाएं। अब कहाँ है माननीय अखिलेश यादव जी और उनके नवरत्न? ये सभी लड़के बेसिकली, एक मुख्य गांव है लालपुर, उसी का मजरा है ये, जिस गांव की ये महिला है, उस गांव का नाम है तमोली पुरवा, और ये लड़के सब लालपुर के। इन लोगों को बुलाया गया, इन दो लोगों ने, अब ये पांच लोग हो गए थे, पहले तीन थे मौके पे, पांच हो गए। इन सब लोगों ने मिलकर के साक्ष बिठाने की दृष्टि से इन दो लड़कियों को उस पेड़ पे कंधे के साथ डाल दिया। कितनी घटना अभी तक हमारे संज्ञान में आई है, पीएम की कार्रवाई चल रही है। पीएम की कार्रवाई होने के बाद हम लोग और भी डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अभी और पूछताछ बाकी है कई बिंदुओं में, कई बिंदुओं, छोटे छोटे बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। उस पर हम लोग अपने साइंटिफिक एविडेंसेस गैदर कर रहे हैं, लोगों के बयान होने हैं, अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जैसी ऐसी बातें खुलती जाएंगी हम लोग उसको आप लोगों को अवगत कराते जाएंगे। फिलहाल जो भी लोग नामजद थे सभी लोग हमारे हिरासत में, प्लस ये दो लोग, छः लोग, सभी छः लोग जो इस घटना में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, सभी छः लोग हमारे हिरासत में और तत्काल जेल भेजे। तो मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, सारे मेहमान से आपको रूबरू करा दूं। विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, सैयद मोहम्मद टकी आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, राजनीति विशेषज्ञ के रूप में गजेंद्र भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता रालोट के रूप में अंकुर सक्सेना अपनी भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में तारिक भाई अपना पक्ष रखेंगे, और एकलाख मोहम्मद एकलाख भाई प्रसपा से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पर इस डिबेट को शुरू करने से पहले मेरे पास सिर्फ एक ही प्रश्न है, घटना हुई और घटना के बाद कार्रवाई हुई, पर कार्रवाई के बाद जो राजनीति गरमाई है, पर वो राजनीति केवल ट्वीट के माध्यम से क्यों गरमाई है? वो राजनीति केवल बयानों के माध्यम से क्यों गरमाई है? वो राजनीति केवल मीडिया में क्यों बयान दिए गए? जब वो लोग, लखीमपुर का तिकुनिया कांड हुआ था तो यहाँ पर पार्टियों में प्रतिस्पर्धा चल रही थी और लोग खुद कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द पहुँचे, और प्रियंका गांधी सबसे पहले पहुँची थी, सपा भी प्रयास कर रही थी, यानी जद्दोजहद लखीमपुर के टिकुनिया कांड के बाद लगातार चल रही थी। और सभी लोग, तो बसपा की बात करें तो बसपा बताया गया कि पत्र जारी हुआ था कि हमको रोक लिया गया, खानापूर्ति भी की गई थी, पर जो प्रतिस्पर्धा टिकुनिया कांड में चल रही थी वो प्रतिस्पर्धा अब कहाँ है? दलित की बेटियों के साथ गलत हुआ, अब तक कोई नहीं पहुँचा, ना सत्ता पक्ष से कोई बड़ा नेता पहुँचा है और ना ही कोई विपक्ष से अब तक कोई वहाँ पर पीड़ितों के जख्म पर मरम लगाने पहुंचा है। हालांकि जख्म ऐसे है कि मरम से कुछ काम चलने वाला नहीं है, पर निश्चित रूप से यहाँ पर यह बात दिखाती है कि यहाँ पर राजनीति वर्ग देखकर, व्यवस्था देखकर, मामला देखकर, आंदोलन देखकर, किसान आंदोलन था भाई वहाँ जाना जरूरी था, सत्ता पक्ष का मंत्री का और उसके बेटे का नाम था, पर यहाँ पर
चूंकि दलित है, गरीब लोगों की घटना है और विशेष वर्ग के लोग इसमें शामिल थे, 5 लोग, तो क्या माना जाए? इसको देखते हुए यहाँ पर अभी तक कोई सक्रियता नजर नहीं आई, बड़ा सवाल है। तो पहला सवाल हमारा भैया से रहेगा, भाई क्या लगता है कि हम दावे करते हैं NCRB की रिपोर्ट आती है और महिला संबंधी अपराधों में 6.66% की कमी आती है और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो डर है, एक तरफ तो कहा जाता है कि बुलडोजर का डर है कि अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, डरे जा रहे हैं, तख्ती लेके थाने पहुंच रहे हैं, और एक तरफ अपराधी के अंदर डर ही नहीं है कि ऐसी घटना दे रहे हैं, लेकर चले जाते हैं, उठा ले जाते हैं घर से, वो उसका दुष्कर्म करने के बाद उनको मार के उनको पेड़ पर लटका देते हैं। तो क्या लगता है, डर खत्म हो गया है कि डर केवल दिखावे का है? गौरव जी, न शासन का डर खत्म हुआ है, न डर दिखावे का है जी। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में उत्तर प्रदेश ने के थानों में जो दृश्य देखे गए हैं जी, जिस तरह से फरार अभियुक्त, वांछित अभियुक्त छाती पे तख्ती लगा करके थानों में सरेंडर किए हैं जी, ये दृश्य उत्तर प्रदेश के थानों ने इसके पूर्व में कभी नहीं देखा था जी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार संगठित अपराधिक गिरोहों पर लगाम लगाने में कामयाब हुई है जी, जिस तरह से उन संगठित अपराधी गिरोहों को नेस्तनाबूद करने का काम योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कर रहा है जी, वो भी कभी इस प्रदेश ने देखा नहीं था। बिल्कुल सही बात है। इसके पूर्ववर्ती सरकारें या तो कभी उनके गोद में बैठी रहती थी या वो इनकी गोद में बैठी रहती थी। तारिक भाई बुरा मान जाएंगे, मैंने तो अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाती हुई तस्वीरें मुलायम सिंह यादव की देखी है। अच्छा, तो खैर उस पर मैं क्या बोलूँ। विषय आज का जो है ये जघन्य से जघन्यतम अपराध है जी, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है जी। आपने इसको दलित की दृष्टि से देखा, मेरा कहना है कि ऐसी घटनाओं को दलित या OBC की नज़र से नहीं देखना चाहिए, ये संपूर्ण मानवता के प्रति अपराध है, संपूर्ण समाज के प्रति अपराध है, और इसको इस तरह का वर्ग विभाजन करके इसको कम से कमतर नहीं करना चाहिए जी। जितना बड़ा अपराध है ये जघन्य से जघन्यतम की श्रेणी में आता है, और हमारी सरकार ने बिना समय गंवाए इस पर कार्रवाई की। स्वयं SP मौके पे गए, IG वहाँ पे उपस्थित हैं जी, ADG लाइन ऑर्डर यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे पूरे केस की जी, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है हो, और अभी आपने डिप्टी CM साहब का बयान भी देखा, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी का, कि इसमें कोई बक्सा नहीं जाएगा, ये तो सरकार की हमारी मंशा विषय में साफ रहती है कि कोई भी अगर अपराध करेगा, चाहे अपना हो चाहे पराया, चाहे बड़ा हो छोटा, बक्सा कोई नहीं जाता, उसको पकड़ करके न्यायालय की दहलीज तक पहुंचाने का काम शासन प्रशासन का, वो हम बखूबी अंजाम देते हैं और हमने किया। अब जिस जो विषय आपने कहा कि क्या डर खत्म हो गया है, इसमें आपने ध्यान से देखा नहीं गौरव जी, इसमें जितने अभियुक्त हैं सब बहुत परिपक्व आयु वर्ग के नहीं है। अच्छा, बहुत उनकी उम्र नहीं है अभी, वो कानून के शिकंजे में इसके पहले मुझको लगता है कभी आए नहीं जी। किन परिस्थितियों में, किन भावावेश में, किन कारणों से उन्होंने अपराध किया, तो सब जांच के दायरे में विषय आएगा। और जिस तरह का ये अपराध है, ये अपराध कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराध नहीं है जी, ये लुक छिप करके बहुत ही दूसरे तरीके का अपराध है। कानून व्यवस्था को चुनौती तो तब मिलती थी जब संगठित अपराध होते थे या अभियुक्त अदालत से वांछित होने के बावजूद भी खुलेआम घूमते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज स्थिति है कि आदमी चोरी छिपे लक छुप कर कर कुछ ऐसा कार्य कर जा रहा है, अपने किसी घृणित अवसाद की स्थिति में होने के कारण या किसी मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में होने के कारण, फिर भी वो बक्सा नहीं जा रहा है। समय रहते आपने देखा होगा गिरफ्तारी हो चुकी है और पॉस्को एक्ट में मुकदमा भी जा रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जाएगा। कितने दिन में मामला खत्म हो जाएगा बेजू भाई, सजा कितने दिन में होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम ले जाते हैं? ये प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रहे गौरव जी, इस पे मेरे द्वारा कोई टिप्पणी करना मेरे अधिकार सीमा के लिए अत्युक्ति होगा। कारण क्या है कि अभी विवेचना जारी है, अभी 6 अभियुक्त को गिरफ्तारी हुई है, मैं किसी के ऊपर अगर कुछ ज्यादा कहता हूँ तो ये जाँच को प्रभावित करने वाला बयान होगा। दूसरा चीज कि अभी जब विवेचना कंप्लीट होगी, केस डायरी अदालत तक पहुंचेगी, उसके बाद अदालत इस पे डे टू डे का डिसीजन लेती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फिर ये जाता है, फिर वहाँ पे सुनवाई होती है। आगे का विषय जुडिशियल प्रोसेस का है जी, और आप जानते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस में राजनीतिक सत्ता या हमारी इस कार्यपालिका का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। हम विषय को वहां तक पहुंचा सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि साहब आप प्रेयर कर सकते हैं ना, कि हमारे कप्तान ने कहा है कि हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में देने के लिए कहेंगे, और ये एक्सेप्ट करना ये न्यायपालिका का काम है। अच्छा। और ये न्यायपालिका का विषय कितने जल्दी से जल्दी इस विषय का निस्तारण करते हैं, विवेचना शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो, इसका प्रयास हमारे जिला प्रशासन द्वारा
पुलिस कप्तान द्वारा किया जाएगा, सारे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में विषय है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सरकार किसी को बख्शने की स्थिति में नहीं और ऐसा कोई सरकार का कभी इरादा भी नहीं रहता। ये जघन्य से जघन्यतम अपराध है, इन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ऐसी हम प्रार्थना न्यायालय से करेंगे और हमें उम्मीद है कि न्यायालय इस विषय का संज्ञान लेते हुए इस पर कठोर से कठोर दंड इनको कारित करेगा। ठीक है तारिक भाई आपको मेरी आवाज आ रही है जी? तारिक भाई, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई और मैं देख रहा हूँ कि लखीमपुर के तिकुनिया कांड में तो बड़े सक्रिय थे सारे लोग, पर अभी निगासन वाले कांड में नजर नहीं आ रहा, ट्वीट हो रहा केवल और बयानबाजी हो रही है। क्या वो पीड़ित नहीं है? हाथरस वाले कांड में बड़े सक्रिय थे, वहाँ पर बड़ी सक्रियता नजर आ रही थी, वो सक्रियता हमको निगासन कांड में अभी नजर नहीं आ रही है। क्या चुनाव के बाद की स्थिति ये हो चुकी है कि सारा विपक्ष शांत बैठा हुआ है, केवल ट्वीट की राजनीति हो रही, कांग्रेस में भी यही स्थिति है? क्या आपको आगे जाकर पीड़ितों के से नहीं मिलना चाहिए, सहानुभूति नहीं देना चाहिए, या केवल ट्वीट के माध्यम से बयानबाजी से ही सरकार को घिरना जाएगा? जवाब दीजिए जी। तारे भाई की आवाज नहीं आ रही है जी। हेलो जी, बोलिए भैया। जी आ रही है भाई, आइए बोलिए। मैं कह रहा हूँ पीड़ित के साथ हम खड़े हुए हैं, पूरी समाजवादी खड़ी हुई है। कब खड़े हैं? दिखे नहीं हमको आज। नहीं गौरव भाई खड़े हैं। अरे देखे तो नहीं ना भाई, खड़े तो है, खड़े तो हम भी है। हमारी पार्टी की एक नेता उनके घर गई है भाई, और खड़े होने का मतलब नहीं तो तिकुनिया कांड में तो अखिलेश जी जा रहे थे। न्याय मिलना चाहिए गौरव भाई, न्याय मिलना जी, पहली बात तो ये जी। और दूसरी तीन चार बातें भारतीय जनता पार्टी की मैं सामने रखूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए, बड़ा अहम मसला ये आके खत्म। एक बात तो ये कि इन्हीं लॉ एंड ऑर्डर का जो ये ढिंडोरा पीटते हैं गले में तख्ती वाला, गले में तख्ती लटकाते हैं जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, जब सीएमआई डेटा देता है तो तख्ती गायब हो जाती है। अच्छा। ये तख्ती मैन है, इनका मैंने नाम रख दिया तख्ती मैनों को, जब सीएमआई का डेटा आता है तब गायब हो जाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा ही घटना अलीगढ़ में भी हुई है, ऐसा ही घटना फिरोजाबाद में भी हुई है, यही घटना बड़ी घटना यहां पर हो गई। तो आप कह रहे थे कि तो बड़ा भय है एकदम, ठीक तो भय तो नहीं, आपके शासनकाल में भी हुई थी भाई, 2014 में भी हुई थी, 28 मई को। गौरव भाई आगे तो बढ़ने दीजिए, बोले बोले आगे तो बढ़ने दीजिए, आप इनको जवाब देने दीजिए जी। बोले थोड़ा, पुलिस 2017 से पहले ऐसी पिक्चर बनाई भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने कि पुलिस कुछ काम ही नहीं करती थी 2017 से पहले। अच्छा। तो क्या ये पुलिस जो काम नहीं करती थी ये उन सारे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी दरोगा पुलिस सबकी सबका अनादर नहीं है? आप खुलेआम प्रचार करते हैं कि 17 से पहले कोई भी महिला सड़क पे नहीं निकल सकती, तो क्या पुलिस अपना काम नहीं करती थी 17 से पहले? अभी दिन में डिबेट में रिटायर्ड आईपीएस थे मेरे साथ जी, उन्होंने कहा जी कि हम 12 में भी काम करते थे, हम 14 में भी काम करते थे और आज भी पुलिस काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता खुलेआम अनादर करती है पुलिस का। एक बात कि आप जो इस तरीके का ढिंढोरा पीटा करते हैं कि पुलिस 2017 से पहले लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, डर लगता था और कट्टे लहराते थे, तो 17 से पहले पुलिस नहीं थी उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान आपके हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी जी पुलिस थी, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट करते हो नहीं आईपीएस दरोगा पूरे पुलिस विभाग का। ठीक है ठीक है। अरे गौरव भाई आगे बढ़ने दीजिए, बोले दूसरी बात, जवाब दे दो, जवाब दीजिएगा श्रीवास्तव जी, आपकी को जवाब देना है जी, जी, माला पहन के जल्दी करिए सारी बात, माला पहन के गौरव भाई जल्दी कैसे मुख्य विपक्ष? अरे बोले जवाब उनसे ले लेंगे, बोले बात पूरी है, फिर आप कहेंगे आप लोग गायब हैं। नहीं बोले नहीं, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ना, मौके पर गायब है, ये कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख रहे हैं। मुलायम सिंह का संदर्भ और प्रसंग क्या था वो वाले स्टेटमेंट का जी, जिसको इन्होंने प्रधानमंत्री से लेके इनका एक बूथ का कार्यकर्ता तक गाने की तरह बजाया है। अच्छा। नेताजी के स्टेटमेंट को। अच्छा। और बलात्कारी संस्कारी होते हैं भारतीय जनता पार्टी के चार चार विधायक गुजरात में लिख के दे रहे हैं गौरव भाई। अच्छा। ये प्रमोट कर रहे हैं बलात्कार करने को, शर्म आती है, मेरा मन करता है मैं ऐसे हाथ बंद कर लूं और इन लोगों को एक मग्गे में पानी लेना चाहिए, अपना सर डाल लेना चाहिए। बलात्कारी संस्कारी होते हैं, बलात्कारियों को छोड़ देना चाहिए,
क्यों? क्योंकि वो किसी एक जात के हैं, किसी एक स्टेट के हैं, किसी एक बिरादरी के हैं। ये गौरव भाई स्टैंड है बलात्कारियों के लिए, ये स्टैंड है। इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन एक लफ्ज इनका एक भी प्रवक्ता गुजरात के बारे में नहीं बोलेगा, वहां भी बलात्कार हुआ था। अच्छा, बेटी 2 साल की मार डाली गई थी उसकी आंख के सामने, छोड़ दिया उन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, सारी कोर्टें कह रही हैं कि गलत हुआ, लेकिन छोड़ दिया। कितने संवेदनशील हैं ये बलात्कार जैसे गंभीर आरोप को लेकर, ये अपने आप में ये सब घटनाएं चिल्ला रही, समझ रहे हैं आप, चिल्ला रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही हाथरस होता है, फिर लखीमपुर होता है, लेकिन जो इनका अभी बताएंगे बहुत से डेटा, पुलिस बिल्कुल चल रही है, हमारे अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, समाजवादी पार्टी में क्या होता था, इसके अलावा इनके पास कोई बात नहीं। जवाबदेही इनकी है, सरकार इनकी रही है, उसके माँ बाप ने आरोप लगाया कि यहाँ दो बातें आई हैं गौरव भाई साहब, माँ बाप कह रहे हैं अपहरण हुआ था, अपहरण की धारा नहीं लिखी गई, मेरे जिले के जस्ट बगल में जिला, अपहरण की धारा नहीं लिखी गई, ठीक। पहली तहरीर वही लिखनी चाहिए जो माँ बाप कह रहे हैं। कानून की पढ़ाई बहुत से भारतीय जनता पार्टी वाले पहले कानून ही पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़े होंगे, जो तहरीर देता है वही लिख लेना चाहिए। पुलिस ने उनकी तहरीर नहीं मानी, ये लिखा कि लड़की साथ में गई थी इच्छा से, जो तहरीर माँ बाप दे रहे थे वही लिखनी चाहिए। यहाँ भी गलती। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है जिसपे आप सरकार में आए हो, वो लॉ एंड ऑर्डर था। पेपर रंगा पड़ा रहता है, किसी दिन का उठा लिया तो आप याद क्यों नहीं दिलाते भाई, आप याद क्यों नहीं दिलाते हो? गौरव भाई जैसा ही याद दिलाते हैं तो आपको डरामन कर लेते हैं। अरे गौरव भाई सुनिए तो, सुनाइए तो, ये डर जाते हैं तो विधायक को विधानसभा तक नहीं जाने देते, उनको हाउस अरेस्ट करा देते। अच्छा, क्यों तो विधायक नहीं जा सकते, क्या गुलामी में है? अमृतकाल, 10 सेकंड दीजिए गौरव भाई, बोलिए जी। अमृतकाल चल रहा है और अमृत बरस रहा है। अरे वो ठीक है, अमृतकाल अमृत समोसे ठीक है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्यों नहीं गए भाई वहाँ पर, ये बताइए। अखिलेश यादव जाएं या ना जाएं, तिकुनिया क्यों गए थे भाई, तिकुनिया का प्रयास क्यों कर रहे थे? अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे इसका निर्णय कौन करेगा? जी आता हूँ आपको, नहीं करेंगे, आता हूँ ठीक है, आता हूँ। हमारे साथ प्रवक्ता राहुल के अंकुर भाई बैठे हुए। अंकुर भाई, आपका जुड़ा हुआ क्षेत्र है, क्या मानते हैं वहां पर इस तरह की जो घटना हुई है निघासन में, बयानबाजी चल रही है, सरकार ने बेहतर काम करते हुए वहां पर 6 मुलजिम पकड़ भी लिए, और पर जो राजनीति देख रहे हैं, बयान तो हो रहे हैं, सरकार घेरा जा रहा है, पर अब तक पीड़ित पक्ष से मिलने कोई गया नहीं, और अगर मिलने की बात करें तो केवल बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से अब तक MLC भीमराव अम्बेडकर को बोला गया जाने के लिए, और भीमसेना के चीफ चंद्रशेखर रावण ने कहा है, अजान ने कहा है कि वो जाएंगे, बाकी और लोग अब तक सक्रियता नजर नहीं आई, क्या कारण है भाई? जी बोलिए। डिबेट दुख के आधार पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं वास्तव में आज बड़ा दुखपूर्ण और भाव से परिपूर्ण माहौल है। नवरात्र का मौसम आने वाला और हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अत्याचारों में वृद्धि होती जा रही है। जहां तक आपका प्रश्न है कि आपने भारतीय बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया और भीम आर्मी के लिए कहा कि वो अपना प्रतिनिधि मंडल भेजे, शायद आपको पूर्ण जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज माननीय जूही सिंह जी जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गई है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज अपडेट कर रहा हूँ कि जूही सिंह जी भी गई हैं, बकायदा उन्होंने उस चीज को पोस्ट भी डाला और हम लोगों के पास खबर भी आई। अच्छा, जहां तक सवाल है पीड़ित परिवार के साथ में, अभी आप ही की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी ने और आप ही ने स्वयं अपनी बात में कहा कि पुलिस और प्रशासन के लोग कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो विरोधाभासी चीजें उत्पन्न होती है। पहली बात ये उत्पन्न होती है, अगर किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि मंडल वहां पर जाएगा तो पुलिस और प्रशासन के लोग ये कहने लगेंगे कि ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और राजनीति तो वो तो तिकुनिया कांड में भी कहा था उन्होंने। गौरव जी पूरी बात बोल लेने जी, जी, बोले, बोले। मैं आपके तिकुनिया का भी जवाब दूंगा जी। और ये लोग पुलिस और प्रशासन के लोग जो लोग काम कर रहे हैं वो काम चूंकि
हम लोगों के जाने से लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन व्यवधान होने की संभावना ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाएगा या कह सकते हैं कि लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरप्शन पड़ सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पीड़ित परिवार के साथ ये लोग क्या किस हद तक ये लोग अपनी हदों को पा सकते हैं। उसके बाद हम लोग पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन तीनों तक पुलिस के लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था का। हेलो, क्या आपको आवाज मिल रही है? यार मिले, बोले बोले जी। अब सवाल आता है कि पीड़ित परिवार जो है, पीड़ित परिवार के साथ क्या किया गया? सबसे बड़ी बात है कि जब पीड़ित परिवार के द्वारा उनकी दोनों बच्चियों को किडनैप किया गया तो संबंधित थाने और पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो क्या उन लोगों ने कोई कार्रवाई की? उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो एसपी लखीमपुर महोदय हैं, उनके द्वारा बकायदा ये बयान जारी किया गया कि जो बच्चियां हैं उन बच्चियों के द्वारा, जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय से ये बात जानना चाहता हूं कि वो ये स्पष्ट करें कि ऐसे बयान देने वाले एसपी, जो जिला का पुलिस अधीक्षक है, जिले के प्रथम पुलिस अधिकारी होते हैं, जो इतना असहयोगात्मक रवैया अपना रहे हैं और इतना कह लीजिए आप बिल्कुल थर्ड क्लास का बयान दे रहे हैं कि पीड़िता के परिवार को उसकी बॉडी को सौंपने पे आप ही के सम्मानित चैनल के माध्यम से वीडियो वायरल होता है कि वो लोग कहती है कि मुझे डेड बॉडी चाहिए और वो कहते हैं हम डेड बॉडी आपको नहीं देंगे। अब आप ये बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? रहा सवाल एफआईआर का, एफआईआर भी आपने अपनी धाराएं अपने हिसाब से आपने परिवर्तित कर ली है। किडनैपिंग की धारा छोड़िए, आपने धारा 302 या जो भी रेप की 376 लगा रहे हैं, तो आप जो आप पास्को एक्ट का मैटर है वो तो ऑटोमेटिक किसी कोर्ट में जाएगा, उसमें कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मैटर ही होता है। तो सवाल ये है क्या उत्तर प्रदेश सरकार संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ निगासन था जी? अंकुर भाई की आवाज नहीं आ रही है जी, बोलिए अंकुर भाई। पेंशन या ट्रांसफर है वो क्या केवल जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के ट्रांसफर या एसओ लेवल के अधिकारियों के सस्पेंशन तक रहेगा या वास्तव में पीड़िता को न्याय दिलाने के उद्देश्य से कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि लखीमपुर जनपद के साथ साथ उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जाए कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं? चल ठीक है। हमारे प्रवक्ता प्रस्पा के रूप में इखलाक भाई बैठे हुए हैं। इखलाक भाई, आपके यहाँ तो मीटिंग थी आज, बड़ी यहाँ पर मीटिंग की गई थी, अब तक कोई संवेदना वहाँ पर यानी देने पर नहीं पहुँचा है, ना ही कोई बहुत बड़ा बयान भी आया है। क्या मानते हैं, जहाँ एक तरफ आप यदुकुल पुनर्जागरण की बात करते हैं, जहाँ तक एक तरफ बोलते हैं आप इस मिशन के माध्यम से हम गरीब तबके को, दर्द वर्ग को और जो कमजोर वर्ग है उनको आगे बढ़ाने प्रयास करेंगे, उनके लिए खड़े होंगे, तो मिशन क्या हुआ, केवल नाम का मिशन है या वहाँ पर किसी को जाना चाहिए था? देखिए गौरव भाई जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारी पार्टी से कोई भी बयान नहीं हुआ, तो आप देखिए हमारे नेता दिन शिवपाल सिंह यादव साहब ने ट्वीट हो गया, अपना दुख व्यक्त किया, ट्वीट हो ही रही है और वो कह रहा है नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि लखीमपुर में जो कांड हुआ, इससे पहले हाथरस का कांड भी हमने देखा, नाव का कांड भी देखा, और अब लखीमपुर को दिल को बहुत तकलीफ देते हैं ऐसी कांड जो होते हैं। तो आखिर पुलिस प्रशासन का राज उत्तर प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तो क्या लखीमपुर के जो ये अपराधी हैं इनको पुलिस प्रशासन का इनका कोई डर नहीं था जो इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया? और बिल्कुल हमारी पार्टी की तरफ से जाएंगे। कब जाएंगे? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लखनऊ से बाहर है, प्रदेश अध्यक्ष भी लखनऊ से बाहर है, कल वो लोग आ रहे हैं। और भाई समाजवादी पार्टी ने जूही सिंह को भेज दिया था वहां पर, तो आपके यहाँ से कोई प्रतिनिधि जाना चाहिए था भाई? नहीं बिल्कुल, हमारी पार्टी के प्रतिनिधि जाएंगे और हमारे पार्टी के प्रतिनिधि हमारे नेता भी जाएंगे। अच्छा, हमारे नेता हर गरीब हर मजलूम के साथ है और यदुकुल पुनर्जागरण मंच ही हम लोग ने इसलिए बनाया था, जितने भी ओबीसी जाति के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उन पे जो भी, पर जो सक्रियता टुकनिया कांड में नजर आई थी वो सक्रियता नजर नहीं आ रही भाई। लखीमपुर जाने की होड़ मची हुई थी अंकुर भाई, इखलाक भाई, प्रतिस्पर्धा चल रही थी भाई, कौन कैसे पहुंचेगा? नहीं लखीमपुर देखिए गौरव जी, ऐसा है, मैं आपके इस बात का समर्थन करता हूँ, खंडन करता हूँ। रीजन ये पुनिया कांड में जो हुआ, किस तरीके आज देखिए ऊपर माहौल ये है, आज मंत्री के पुत्र ने नियुक्त है, आरोप पत्र प्रेषित जा चुका है, मामला बड़ा था, स्थिति में वो मुद्दा जो था उसमें मामला बड़ा था, नहीं मामला बड़ा नहीं, सियासत बड़ी थी, मामला ऐसा था कि अगर विपक्ष के लोग सक्रिय ना होते तो आम जनमानस को न्याय मिलने में असंभव था। अगर विपक्ष के लोगों ने इतना धरना प्रदर्शन, यहाँ मृत्यु नहीं हुई है क्या? यहाँ मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु तो यहाँ भी हुई है ना? यहाँ पर जो
यहाँ पर जो मृत्यु हुई है तो हम लोग निरंतर पीड़ित पक्ष के संपर्क यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ भी बड़े बड़े नेता को नहीं जाना चाहिए, जिलाध्यक्ष हमारे कार्यकर्ता हमारे अंकुर भाई आप भी देखने वाले हैं, कांग्रेस में होड़ लगी हुई थी, प्रियंका गांधी के जो मुख्यमंत्री है चन्नी भी आ रहे थे और बघेल साहब भी आ रहे थे वहां पर होड़ लगी हुई थी। बताइए जी। नहीं तो गौरव जी आपको ये पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से या सीनियर लीडरशिप से, पूछ चुका हूं भाई। तिकुनिया कांड में नहीं, तिकुनिया कांड में भारतीय जनता पार्टी के किस लीडरशिप ने प्रदेश की जनता से माफी मांगी? और आपके आज के जो कांड के लिए जिम्मेदार है तो उस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और बड़े बड़े लीडरशिप ने किसी ने भी अंकुर भाई आपने खंडन की बात कही, इसलिए मैंने कहा हर जगह जा रहे खंडन की बात कही, मैंने कहा मुखिया हर जगह जा, सुनिए प्रदेश के मुखिया हर जगह जा रहे हैं, क्या प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय निगासन कार्ड की में के वो निगासन में जो बच्चियों के साथ वो जवाब तो विवेक भाई देंगे, उस परिवार से मिलने गए जी, क्या उस काम में वो जवाब विवेक भाई देंगे, हम नहीं देंगे। पूछना सरकार से मिलता है, सरकार से पूछ लिया भाई, सरकार से पूछ चुका हूँ, सरकार पूछ चुका हूँ, पहला सरकार की जवाब दी है, कब मुख्यमंत्री जा रहे हैं उन पीड़ितों को न्याय देने के लिए? विवेक भाई से पूछता हूँ अभी, अगला भाई अपनी बात पूरी करिए, गजेंद्र भाई को लेता हूँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जल्दी गौरव भाई की जो ये कांड हुआ है लखीमपुर में उन परिजनों के साथ जिनकी दो मासूम बच्चियां नाबालिग बच्चियां चली गई हैं जीवन से, तो हमें इस वक्त मैं सरकार से भी निवेदन ये करना चाहूंगा कि ऐसे अपराधियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई करें ताकि ये कांड ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार इंसान अपराधी को सोचना चाहिए। ये दुष्कर्म जैसी घटनाएं बहुत ही दिल को दुख पहुंचाने वाली घटना है। निवेदन करते रहिए, राजनीति बने रहिए, निवेदन करते रहिए, ठीक है मोहम्मद तकी भाई, तकी भाई गौरव भाई आप शायद ये चीज नहीं देख पा रहे हैं, हम लगातार रोड पे हैं, हम लगातार लोगों के पीछे जा रहे हैं, कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अय्या में थे, मगर जो चीजें हो जाती है तो उसके लिए कुछ समय, निगासन कांड की बात कर रहा हूं और अय्या कांड की बात नहीं कर रहा हूं भाई, ठीक है तकी भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए जो भी घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और अभी आपने शुरुआत में कहा था कि महिलाओं की बात नहीं है, देश की आधी आबादी की बात है, उसके मनोबल की बात है और उसको आगे ले जाने की बात है। कोई भी देश, दुनिया कोई भी देश जब तक आगे नहीं बढ़ सकता तब तक महिलाओं को समान अधिकार ना मिले, समान सम्मान ना मिले, उनको रोजगार के अवसर ना मिले, वो घरों से बाहर ना जाए और कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ खड़ी ना हो, ये औरतों के मनोबल महिलाओं के मनोबल को तोड़ने वाली घटना है। इस जघन्य अपराध में जो भी लोग शामिल हैं उनको सख्त से सजा देनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होना चाहिए और ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि आने वाली पुश्तों में आने वाली नस्लों में ये जब इस तरह ख्याल आए तो वो थर्रा जाएं, डर जाएं। अच्छा। तो इसका तो मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि इसकी सख्त से सजा होनी चाहिए और जल्दी सजा होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, और जो पीड़िता परिवार उसको सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए, संभावना देना चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करेगी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी मांग करेगी, आम आदमी पार्टी ने आज अपना एक प्रतिनिधिमंडल जो है जो हमारे सूर्य प्रधान हैं अवध जोन के अध्यक्ष उनके लीडरशिप के अंदर संजय भाई द्वारा भेजा गया है, वहां गए हैं पीड़िता से मिलने के लिए, पीड़िता परिवार से बात वही आ जाती है कि वहां पुलिस इतनी ज्यादा है कि वो किसी को जाने नहीं देती। आपने भी देखा था कि जब हाथरस में कांड हुआ था तो पुलिस तो कहीं नहीं जाने देगी। हाथरस वाले कांड में आपने देखा था, हाथरस वाले कांड में व्यवस्था बनाएगी पुलिस, देखिए हाथरस वाले कांड में जो राजनीतिक पार्टी तो छोड़िए, वहां तो प्रेस रिपोर्टर को नहीं जाने दे रहे थे, उनको दौड़ा दौड़ा पुलिस दौड़ा रही थी, हटा रही थी वहां से। तो सरकार जो है वो ताकि भाई ये बताइए, इतना बड़ा कांड हुआ है, दो नाबालिग बच्चियों की यहाँ पर मौत हो गई है, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, यहाँ पर हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यात्राएं निकाली जाती है, क्या यहाँ पर आपके शीर्ष नेतृत्व को नहीं जाना चाहिए था? क्या केवल प्रतिनिधिमंडल भेजने से काम चल जाएगा? एक तरफ आप बात करते हैं कि हम यहाँ पर बदलाव करने आ रहे हैं, यहाँ पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं देखता रहता हूँ, ताकि भाई कुछ बात छिपी नहीं है मुझसे, सब जानकारी मुझे रहती है, तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को नहीं जाना चाहिए मिलने के लिए? निश्चित रूप से जो है आप मीडिया में लगातार आप खबरों को देखते रहते होंगे, आपने ये भी देखा होगा लगातार हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी ने इसका विरोध किया है, इसके खिलाफ बयान दिया है विभिन्न न्यूज चैनल्स के ऊपर, आपके चैनल भी चला उनका बयान चला है, तो उन्होंने उसका खंडन किया है, और ये कि हमने अपना जो नौजवान पीढ़ी तैयार हो रही है, जो नई लीडरशिप तैयार हो रही है, उसको हम आगे रख रहे हैं ताकि उसी घटनाओं को देखे, संज्ञान में ले और प्रतिक्रिया दे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये कि देश के अंदर जो महिलाओं को लेकर इस तरह का आचरण बना हुआ है बड़ा दुखद होता है, हमने राजनीति में हमेशा ऐसे लोगों को आगे आते देखा है। दिल्ली में अपराध के आंकड़े पता है आपको? दिल्ली में अपराध के आंकड़े पता है आपको? महिला अपराध तो पूरे देश में सबसे, फिर क्यों कह रहे हैं भैया आप कि दिल्ली में कोरोना के दौरान, कोरोना के दौरान जहां सब कुछ बंद था, कोरोना के दौरान जहां सब कुछ बंद था, रेप केसेस ऑल ओवर इंडिया 33% बढ़े हैं, आप इसको देखिए कितनी ये बात है। मैं तो एनसीआर की रिपोर्ट बताऊं, दिल्ली में भी महिला अपराध बढ़े हैं,
कहीं भी महिला अपराध पड़े हो, हमारे जो स्वाती मालीवाल हैं, महिला कमीशन की हैं, वो बहुत फौरन एक्शन लेती हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को वहां जेल भिजाने का फौरन काम किया है, ऐसे मामलों में हम सख्त कार्रवाई लेते हैं। ठीक है, ठीक और किसी को अगर अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में अगर कानून व्यवस्था हमारे हाथ में देखे देखिए हम बहुत सी चीजों को और सही कर देंगे। अच्छा, पुलिस मिल जाएगी। हमने आज तक किसी बलात्कारी पंजाब में किसी बलात्कारी को माला नहीं पहनाई है, पंजाब में सम्मान नहीं किया, उसको टिकट नहीं किया। ट्रिपल सी हमारे यहाँ होता है, कैरेक्टर आदमी का सही होना चाहिए, चरित्र सही होना चाहिए, उसके बाद आदमी गौरव भाई जी, हमने सभी लोगों को सुना जी। एक निष्क्रिय सरकार उत्तर प्रदेश में आज देखने को मिल रही है। अच्छा, आज वो बुलडोजर कहां है? क्योंकि ये बच्चियां हिंदू की बच्चियां हैं, अभी मुसलमान की बच्चियां होती आग लग जाता पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, बच्ची हिंदू की है, एक भी राजनीतिक दल वहां पर जाना नहीं चाहता है। और यही नहीं, उसकी मां जब कहती है कि अपहरण हुआ है, पुलिस इस हद तक गिरी है कि अपहरण तक का FIR दर्ज नहीं किया गया। यहां बैठ करके कहा जा रहा है कि सरकार ठीक से कार्य कर रही है। केशव मौर्या के बयान को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे उनके हाथ में सब कुछ है। बिल्कुल उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। अभी तक वहां का थाना प्रभारी हटाया नहीं गया। इस विषय में CBI जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग वहां क्यों जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे, उनको उसी वोट बैंक से राजनीति करना है। अच्छा, यहां पर मीटिंग हो रही है, राजनीतिक दल लखनऊ से लखीमपुर जाने में कितना समय लगता है? सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और बाबा का बुलडोजर भी बैठा हुआ है। आज कहां बुलडोजर है? वो ले चलो उसके ऊपर, वहां चलाओ, एक मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि ऐसी घटना होगी रौंद दिए जाओगे। ये वो लोग हैं जी जो समाज को कभी भी शांति से रहने देना नहीं चाहते हैं। ये एक मानसिकता है जाहिलों की, ये जाहिल है सब, ये जब तक रहेंगे सब ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो आपका कहना यह है कि थपा पर इसलिए नहीं जा रहा है कि वहां पर जो 5 लोग हैं वो मुस्लिम वर्ग से हैं। बिल्कुल, अगर वह मुस्लिम नहीं होते, आज कोई और होता, आप वहां देखते गाड़ियों की लाइन लग जाती। अरे इनके लिए ये दलित बच्चियां हिंदू बच्चियां हैं, हिंदू बच्चियां, और लाचार है वो परिवार, गरीब है जी, इसलिए कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन यह घटनाएं उत्तर प्रदेश में याद रहेंगी। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी भी सुन ले, ठीक है, सपा भी सुन ले, बसपा भी सुन ले जी, और आप भी सुन ले जी। जो बदलाव करने आया है उसका शीर्ष नेतृत्व एक बार भी दिल्ली से नहीं बोला है, वो बोला भी होता वहां से जी, कोई बोलने को राजी नहीं है। इसलिए सरकार से पुनः एक बार निवेदन है जी कि तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक, इसको कानून का एक जामा पहना दिया जाए कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होगी, उनका घर बुलडोजर से गिरा दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। बेबे भाई आप जवाब दीजिए, तारिक भाई की बात आप जब लेना आपसे बताइए। देखिए, तारिक जी ने इन विषयों की चर्चा की जी, और जो हमारे मित्र उठा रहे हैं जी, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह का अपराध हुआ ये जघन्य से जघन्यतम की श्रेणी में आता है। 6 अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं, जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि साहब थानेदार को क्यों नहीं हटाया, कप्तान को क्यों नहीं हटाया। ऐसी स्थितियों में शासन प्रशासन की पहली जिम्मेदारी वहाँ पे लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की होती है। जो रोज समाज के भीतर होता है ऐसी जघन्य घटनाओं को लेकर के, उस रोज की परिणत किसी भी दुर्घटना में हो सकती है।
तो वो ऐसी कोई दुर्घटना वहाँ न घटे, ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती कि शीघ्र से शीघ्र ऐसी शवों का अंतिम क्रिया संपन्न हो जाए। ये बताएं मुझे और विषय, आप सरकार के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं, बताइए जनमानस को कि उसके माँ के बयान के बावजूद भी पुलिस चाहती थी कि उसकी माँ ऐसे बयान न दे, दबाव बनाया गया, बाल बाल पकड़ करके घसीटा गया पुलिस द्वारा, पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई हुई अभी तक, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए आईजी वहां मौके पे मौजूद हैं, एडीजी लाइन आर्डर पूरे किस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर ऐसे में किसी कर्मचारी द्वारा पुलिस के ऐसी कोई घटना कारित की गई तो वो भी संज्ञान में सरकार की आएगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। विषय अभी सरकार की प्राथमिकता ये होती है कि ऐसी स्थिति में शव की अंतिम क्रिया संपन्न हो जाए ताकि उसकी परिणत किसी रोष वश किसी दुर्घटना हो सके, किसी दुर्घटना में ना हो। दूसरा, केस की जांच अभी जारी है, इस जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो थानेदार की कोई ढिलाई हो, चाहे किसी दरोगा सिपाही की ढिलाई हो, वो सब लोग कार्रवाई के दायरे में आएंगे, बक्सा कोई नहीं जाएगा। लेकिन आप सोचें कि इमीडिएट इन 24 आवर्स आप सबको वहाँ हटा दिया जाए तो वहाँ इस विषय को मेंटेन कौन करेगा जी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल पूरी फोर्स वही है, लखीमपुर में रहती है और कहीं फोर्स नहीं है। विषय ये नहीं है गजेंद्र जी, विषय ये है के साथ दूसरा अपराधी पुलिस के रूप में थाने में बैठा हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपकी पीड़ा जायज है, आपकी पीड़ा से सरकार भी अवगत है, समय रहते उन पे भी, उनको भी कार्रवाई के दायरे में लिया जाएगा, कार्रवाई उन पर भी होगी। लेकिन अभी जो आज शासन प्रशासन की प्राथमिकता है, किसी तरह शव की पोस्टमार्टम होके आ गया, शव की अंतिम क्रिया हो जाए, वो हो गई। अब इसके बाद विषय यह है कि सारे अभियुक्त पकड़े जाए, अभियुक्त तो गिरफ्तारी हो चुकी, जांच जारी, इस जांच के दौरान बहुत से विषय जो आप हमारी जानकारी में नहीं होंगे वो सारी चीजें खुल के आएंगे, वो सबको कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। जब डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि कोई बक्सा नहीं जाएगा तो सरकार की मंशा पे प्रश्न लगाना ये ठीक नहीं है। और ऐसे तमाम उदाहरण जैसे जिन स्थितियों में सरकार ने कभी किसी को बक्सा नहीं, किसी भी आरोपी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बक्सा गया हो तो आप एक उदाहरण बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, सब पे कार्रवाई हुई है। हॉस्पिटल में जाने के लिए समय है मुख्यमंत्रियों के पास जी, इनके पास उप लेकर के मुख्यमंत्री हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन वहां घटना हुई है, कोई नहीं गया है। देखिए ऐसा होता मौके पे जो, अरे भाई आप सरकार में है, जिम्मेदारी आपकी है। नहीं बिल्कुल, जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बिल्कुल सरकार, समाजवादी पार्टी, इनको तो राजनीति करना है। बिल्कुल सरकार, जिम्मेदारी आप पर है, जवाब आपको देना है। गजेंद्र जी बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार की, सरकार ट्वीट करेंगे लोग, ट्वीट नहीं, ट्वीट से सरकार नहीं, ट्वीट से काम चलेगा। मौके पे जाना भी चाहिए, जाएंगे भी हमारे यहाँ के लोग, ऐसा नहीं है। सरकार ने विषय को गंभीरता से लेते हुए, क्यों नहीं गया अभी तक? सरकार ने विषय को गंभीरता से लेते हुए तुरंत आईजी को मौके भेजा, आईजी कैंप किए हुए हैं, एडीजी लाइन आर्डर पूरे विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मंत्री वहाँ पे गया होता ठीक से, वहाँ पे कार्रवाई हुई होती। देखिए ऐसा होता है, ऐसे मौके पे वीआईपी के पहुँचने से विषय प्रभावित होता है, सारा 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 प्रोटोकॉल उसी में लग जाता है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर दोनों स्थिति में मुजरिम दोनों हैं, पुलिस भी है, अभियुक्त भी है, जो जी वो भी जांच के मुजरिम है आज के डेट में। अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके, पुलिस वाले भी गिरफ्तार हो गए, अगर उनके संलिप्तता पाई जाए, गिरफ्तार हो भी जेल जाए। अंदर भाई कुछ बोलना, अंदर भाई कुछ बोलना चाह रहे, बताइए जल्दी बोले भाई, समय बहुत कम है, बताइए जी। देखिए सबसे बड़ी बात है, गजेंद्र जी ने एक बात कही कि चूंकि जो एक्यूज्ड हैं, जो जिनके ऊपर अभियोग लगा है, और तो वो लोग एक वर्ग विशेष से आते हैं, इसलिए विपक्षी दल खामोश है। मैं इस बात का पूर्तियां खंडन करता हूं। खंडन क्या करते हैं? कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं गया अभी तक? किसी क्या खंडन करना क्या होता है? गजेंद्र जी मैंने इंटरप्शन के बिना आपको सुना है, आप भी बात सुनना सीखिए। सही बात को सुनिए आप लोग, सही बात को भी सुनिए आप लोग। कह रहा हूं ना मैं, इसलिए कि वो नहीं सुनिए मेरी बात, हिंदू की बच्ची है, आज किसी और की बच्ची होती माला ही लग गया होता। लोकदल उसका विरोध करेगी और कानूनी कार्रवाई के लिए समर्थन करेगी, और कोई भी कार्रवाई करने की स्थिति में आप लोग नहीं है। अगर आप लोग तो किसी लायक नहीं है, समुदाय का है, क्योंकि अभी कोई वहाँ राजनीतिक लड्डू मिलना होता तो आप जाते, वहाँ अपराधियों गरीब की बच्ची है क्यों जाएंगे आप? आपको क्या फर्क पड़ता है उससे?
हिंदू की बच्ची है, क्यों जाएंगे भाई? आप आपको, क्या आपको तो वोट चाहिए ना, आपको तो वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए आपको, आप लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, वोट के लिए काम करते हैं आप। जहाँ पर वोट मिलना है वहाँ वहाँ जाएंगे आप लोग, जो जनता की लड़ाई और जनता की आवाज लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, अरे भाई कुछ सरकार, हम लोग सरकार से प्रश्न पूछना है, सरकार की जवाब दी, आप सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आप सरकार से डिमांड की, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ मैं, आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, एक निष्क्रिय सरकार के रूप में आज के डेट में यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है क्या कि लाइन ऑर्डर है, लग रहा है कहीं आपको उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर है? आज के डेट में लाइन ऑर्डर है क्या? यहाँ कोई लाइन ऑर्डर नहीं है, क्या नहीं है? अब मैं बोलूंगा रब भाई, बोले बोले, कोई कानून व्यवस्था नहीं है आज के डेट में, पुलिस थाने में बैठ करके चाहती थी मैनेज करना। जब कानून व्यवस्था नहीं है तो जो लोग कानून व्यवस्था नहीं है तो हमें सरकार से पूछना चाहिए कि भाई सरकार, आप तो लड़ो भाई सारा। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप कहां लोग हैं? आप लोग गए हो क्या वहां? आप लोग गए हो? प्रदेश आदमी भी लखनऊ से गया है और ये सब लोग हैं। आप विपक्षी लोगों के से पूछ रहे हो, प्रतिनिधियों और प्रवक्ताओं से कि आपके केंद्रीय नेतृत्व नहीं जा रहा है। भाई राहुल जी कहां है? और भाई एक मिनट, प्रियंका जी कहां है? सतपाल सिंह यादव कहां है? अखिलेश सिंह यादव कहां है? कहां है? दो मिनट, ये लीडरशिप क्यों नहीं गई वहां पे? बहन जी कहां है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 80% पैसा सिर्फ प्रचार पे खर्चा कर दिया, ये नियत है, प्रचार करना सिर्फ, कोई कैंपेन नहीं, कोई इस तरीके का जागरूकता का अभियान नहीं, कोई जो रेशियो है मेल फीमेल का वो घट रहा है बढ़ रहा है उसपे कोई काम नहीं। ये इनकी खाली लाल किले से कह देना कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वहां से नहीं होगा सम्मान। ये हाल है 2015 में प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का 80% पैसा सिर्फ प्रचार में खर्च किया। गौरव भाई, इस चीज को जो गजेंद्र भाई कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल पुलिस काम नहीं कर रही है, एकदम सही बात, ठीक है, और उसको एक धर्म के लोग इस चीज से जोड़ना, वर्ग विशेष नहीं होता तो सारा कार्रवाई होती, वर्ग विशेष के वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। अब गजेंद्र भाई आप हर बार बोलेंगे तो कैसे? हर बार नहीं बोल रहा हूँ, आप ऐसी ऐसी बातों को रख रहे हैं, आप वर्ग विशेष नहीं होता तो देखते क्या होता अभी आप वहाँ पे। अरे गौरव भाई, अभी गजेंद्र भाई आप अपनी बात कह लिए, आप सुन भी लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके के गंभीर अपराधों में धर्म को नहीं लाना चाहिए, पहली बात। अच्छा, धर्म के लोग अपराध करें और उनका नाम नहीं आएगा? अपराधी सिर्फ अपराधी है, अपराधी सिर्फ अपराधी है। जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, समाजवादी ने नहीं किया, पहली बात। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, लेकिन पुलिस की जो भूमिका रही है वो संदिग्ध रही है गौरव भाई। और जहां तक आने जाने की बात है तो विवेक भाई बोले हैं ना कि भूमिका खराब है तो कार्रवाई होगी, जनता देख रही है। आप लोग तो लखनऊ लखनऊ में भी धरने पर बैठ गए हैं भाई, उसके लिए पूरी पार्टी धरने पर बैठी है। कहां बैठी? नहीं बैठी, कहां बैठी? एकदम धरने पर बैठे हैं आप लोग। अच्छा, हां हां, धरने पर बैठ गए हैं लोग भाई सरकार के खिलाफ। गौरव भाई जी, तकिया बोलिए बोलिए, जो बोले बोले मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस तरीके के आपको विपक्ष जो है, जो हम समाजवादी पार्टी है, ये पूरी की पूरी आपको दिखेगी सड़क, दिखेगी 10-20 साल में, और सत्र भी शुरू होने वाला है 3-4 दिन में, वहाँ भी ये मुद्दा उठाया जाएगा सरकार के खिलाफ, इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठा। अरे भाई वहाँ विधानसभा के अंदर कौन देखने वाला है तारिक भाई? जनता का दर्द हो रहा है, विधानसभा के अंदर जाएंगे उठाएंगे यार, कम से कम मंदिर है वो, वही सबसे ज्यादा आवाज उठनी थी, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो बहुत पब्लिक तो यहाँ देखेगी, जनता तो परेशान है, उसको देखना चाहिए ना। अरे गौरव भाई, हम कह रहे हैं ये कहा जाता है कि सड़क से संसद तक रहेगा, इसलिए वो बात मैं कह रहा हूँ हर जगह। उन बेटियों के माँ बाप से मिलने के लिए कोई गया है? कोई गया है? ये राजनीतिक दल बैठे हैं, सबसे आवश्यक कार्य क्या था? उनको सपोर्ट करना। पुलिस, आप लोग देख रहे हैं कि पुलिस उनके साथ में जाति कर रही है, सरकार चुप है, तो विपक्ष की भूमिका क्या होती है? पीड़ित के साथ में खड़े हो जाना, और विपक्ष तो खेल रहा है ट्यूटर ट्यूटर। ठीक है,
ताकि भाई अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि हम जो आरोपी हैं उनको धर्म से उनको पहचाने। और जितने भी रेप पीड़ित हैं, जितने भी ये कह रही थी वो हिंदू महिला थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी प्रकरण हुए रेप के, क्या वो लोग महिला, वो हिंदू महिला ही नहीं थी क्या? हाथरस में जो महिला जिसको रातों रात जला दिया, क्या वो हिंदू नहीं थी? क्यों नहीं? उसके और बता रहे उसमें पांचों पांच दूसरे हो जाती है, बयान है अपनी भूमिका। हम अपराधियों को उनके धर्म से बचानेंगे, देखिए जाति से बचानेंगे, हम उस मानसिकता में चले गए। अपराधी अपराधी होता है, मैंने कहा ऐसे अपराधियों को आप फांसी दीजिए, कमाई करिए फांसी दीजिए ऐसे लोगों को। कोई भी व्यक्ति जिसका इंसानियत है, आप देखते हैं क्या हालत होते हैं, क्या हालत होते हैं, देखते हैं। उनका धर्म बता रहे हैं, उनका धर्म बता रहे हैं। शेमफुल, शर्मनाक बयान दिया आपने टीवी के ऊपर सवाल, क्या उसने जाति और धर्म पूछेगा उनका? इतने लोगों के जो कांड प्रकरण हुए और जो लोग अपराध कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, आपको सुनिए, तारिक भाई, तारिक भाई सुनिए, इनको बताना चाहता हूँ। कुलदीप सिंगर वाला मामला जब था, तो कुलदीप सिंगर वाले में पीड़िता थी, कौन थी वो? जी, वो हिंदू में पीड़िता नहीं थी जी। और पूरे बीजेपी प्रशासन ने कोशिश की उनको बचाने के लिए, जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने फटकारा, तब इन्होंने कार्रवाई करी। और उस मामले में स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की महिला युवक है, वो आई थी, उन्होंने यहाँ पे आके काम किया था, और उसके बाद उनका केस ट्रांसफर किया गया और वो जेल चले गए। कुलदीप सेंगर के केस में, स्वामी चिन्मयानंद के केस में कौन लोग थे? क्या हम पीड़ितों को धर्म से बचानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रेप कर रहे कौन है? मुझे 116 एमपी बीजेपी के अंदर है जिनके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, क्या उनको धर्म से बचानेंगे आप? बिल्कुल, बोलिए, उनका नाम लेकर बोलना पड़ेगा, समाज उनको उनके मुंह पे काली पोतेगा तभी। अरे आप धर्म को लेकर आ रहे, जाति को लेकर आ रहे, लोग चुप रहेंगे, रेपिस्ट होता है, बलात्कारी बलात्कारी होता है, मर्डर मर्डर होता है, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी को जाति नहीं होती, अपराधी होता है, अपराधी आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, वही बम फोड़ता है जी। बम तो बहुत से लोगों ने फोड़ा है जी। अब अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी होता है, एक समाज के जनता के ऊपर, सुन लिए, जो लोग जनता के ऊपर महंगाई का बम फोड़ हो गया, हो गया, हो गया, नहीं हो रही है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो रही है, जो वित्तीय स्थितियां उत्पन्न हुई, हो गया, हो गया, बच्चिया होती हम तो काते। अरे शर्मनाक, शर्म करनी चाहिए आपको, यहाँ से शर्म वाला बयान दे रहे हैं आप लोग जो हैं, आप अपराधियों को जान बचाने के धर्म बचाने के करके इधर से उधर केवल डिबेट हमारे देश का वास्तविकता ये हो गई है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। भाई पूरी मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता दादा, कि उसमें कौन कितना है, हमको मालूम है उसमें कितने लोग हैं, पांच आरोपी में क्या है सब पता। ताकि भाई हो गया, हो गया, चलिए ताकि भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए गौरव जी, जी छह अभियुक्तों गिरफ्तारी हो चुकी है जी, पांच सत्य बात है कि उसमें से एक वर्ग विशेष के है जी, अभी जांच जारी है, इसमें अभी से कुछ कहना जी जांच को प्रभावित वाली करने की स्थिति हो जाएगी। इसके पीछे क्या एंगल है, लव जिहाद का एंगल है या कोई और एंगल है, ये सब सारी जांच के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। इसलिए अभी से कुछ कहना कि साहब ये वर्ग विशेष के लोग हैं, ये है वो है, अभी जांच चलने दीजिए और जांच का रिपोर्ट आने दीजिए, बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, किस पुलिस वाले ने, किस दरोगा ने, किसने क्या जाति की, ये भी चीज़ें उसमें प्रकाश में आ जाएंगी, क्योंकि आईजी खुद मौके पर मौजूद है, एडीजी लाइन ऑर्डर पूरे विषय की मॉनिटरिंग करे, सरकार पूरी इस पर बहुत संवेदनशीलता से पूरी निगाह बनाए हुए है पूरे केस पे, और आपने स्वयं देखा होगा कि सरकार ने बिना समय गवाए उच्च अधिकारियों को लगाया, इस पर गिरफ्तारियां हुई है और ये जांच चल रही है। ऐसे में सरकार को कटघरे में खड़ा करना और तमाम प्रश्न उठाना ये ठीक नहीं है, अभी इसका थोड़ा सा समय और दिया जाए, इसमें सरकार को सारी चीजें दूर से पानी का पानी हो जाएगा। भाई को बार बार बात लेता हूँ, बोलिए ताकि भाई जल्दी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ गौरव भाई कि इसको धर्म से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, हम सरकार भी सही बात है, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी अपराधी होता है, जंगा जंगा, और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उनके परिवार के साथ भी खड़ी है और सड़क से लेकर संसद तक, अभी दो दिन पहले भी हम इसी समय लॉ एंड ऑर्डर को ही लेकर प्रदर्शन के लिए उतरे थे, सड़क से लेकर संसद तक 19 तारीख को पदयात्रा है लेकर मुद्दे को लेकर होगी क्या जल्दी ही गौरव भाई, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी मुद्दा था, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर
आदेश जारी किया था किसानों की समस्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ये मसला लॉ एंड ऑर्डर को ही है। आप तो कहते हो कि शक्ति लेके घूम रहे, तो डरे हुए तो ये लोग कहाँ से आ जाते हैं? बलात्कारी अलीगढ़ में हो रहा है, फिरोजाबाद। आपने याद दिलाओ ना, अगर वो आप याद दिलाइए ना, सरकार सुन रही है तो। गौरव भाई कल गोंडा में कस्टडी में एक लड़का मर गया। हाँ। गौरव भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की हालत है, पुलिस कस्टडी में मर गया, धरना दिए। तो जानकारी आपको भी है तो उसके लिए क्या किया आपने? सरकार की खोली है क्या आपने? समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ के पंडित। तारिक भाई 47 सीटें नहीं है, 111 सीटें आपके पास है अब। गौरव भाई सूरज सिंह 6 घंटा धरने बैठे, तब डीएमएससी आए, उन्होंने आश्वासन दिया। अच्छा। मेरे बगल का जिला है, आप पता मेरे रखने के बाद इस न्यूज के बारे में पता कर लीजिएगा। पुलिस कस्टडी में उस लड़के की डेथ। ये सारा मामला लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा हुआ है और बलात्कार जैसे गंभीर। चलो ठीक हो, चलो ठीक है इकलाय भाई अपनी बात पूरी करिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए गौरव भाई, गजेंद्र भाई, हमारे भाई ने जो एक बात कही गजेंद्र जी, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने किसी को कहा हिंदू और मुस्लिम है। देखिए इसको सुन लीजिए, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मुस्लिम है उनको आप फांसी की सजा दीजिए। अपराधी अपराधी होता है, वो हिंदू और मुस्लिम नहीं होता। और हमारे भाई ने कही कि वो बेटी हिंदू हिंदू की बेटी है, तो क्या उन्नाव में जो बेटी थी वो किसकी बेटी थी? हिंदू की बेटी थी। उस दिन भी मैंने बोला था, हिंदू मुस्लिम भी बोला था मैंने, चाहिए। और आज मैं मुस्लिम हूँ, मैं कहता हूँ कि अब अपराधियों को फांसी की सजा दीजिए। मैं आपके साथ मुद्दा होगा खुलेआम बोलूंगा। हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम आप किस तरीके से, आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते कि किसी को अपराधी को बताए हिंदू है। अगर अपराधी का नाम आएगा तो क्या बोला जाएगा? मैं कहता हूँ अपराधी का नाम आएगा तो क्या बोला जाएगा? फांसी की सजा दीजिए, हमारे इस्लाम में है उसको फांसी की सजा दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो मुस्लिम है? कितने लोग कैसे आप कह रहे हिंदू मुस्लिम से जोड़ने काम करेंगे? बहुत सी है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, बहुत हिंदू मुस्लिम से जोड़ने लोग गए हैं। अपराधी आप गए हैं, आप गए, आप वहीं बैठे हुए हैं। आपको कहना चाहिए था गजेंद्र भाई, मुसलमान आपको नहीं है। कैसे कह सकते लोग गए हैं? आप यहाँ बैठे हुए हैं, रोटी आप गए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप वहाँ से लाइन पर गए हैं। अरे विपक्ष में थोड़ी ना है, बात तो करना है आपको है। विपक्ष में आप लोग, विपक्ष में आप लोग, ऐसी चीजें नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ठीक है हो गया। नहीं जाना, राजनीति छोड़िए, हो गया फिलहाल, दूसरे छोड़िए राजनीति के लिए। ठीक है, हो गया फिलहाल, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। आप सभी का बहुत धन्यवाद। फिलहाल धर्म की राजनीति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा इतना हृदय को भेदने वाला है कि दो नाबालिग लड़कियों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, दुष्कर्म किया जाता है, उनके शव को पेड़ से लटका दिया जाता है, यानी कि मानवता को पूरी तरह शर्मसार कर दिया जाता है। यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ कम से कम बात इतनी तो होनी चाहिए कि अगर ये घटना तिकुनिया कांड होती तो सारे लोग पहुँचते, प्रतिस्पर्धा हो रही थी, बड़े बड़े लोग चले आ रहे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक आए, एयरपोर्ट पर तांता लगा हुआ था और लगातार जिस तरह से सरगर्मी में चल रही थी कि लग रहा था कहीं लखीमपुर तिकुनिया कांड केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जाना जाने लगा। पर जब घटना निघासन की हुई है और जब घटना गरीब वर्ग की है, जब घटना गरीब लड़कियों की है, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं है, यहाँ पर केवल हो रही है खाना पूर्ति। आने वाले समय में कौन कहाँ जाएगा, कौन कितना उन परिवार के लिए खड़ा होगा, किस तरह से लोग सहानुभूति देंगे और उन परिवार के लोगों के लिए कौन लड़ाई लड़ता रहेगा, वो वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि यहाँ पर जो राजनीति होती है या जो व्यवस्था है या जो सहयोग है, ये केवल समय देख कर किया जाता है, ये विशेष देख कर किया जाता है और यहाँ पर अपना लाभ देख कर किया जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि हम केवल नारे लगाते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं, पर धरातल पर स्थिति कुछ और है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जनमति, नमस्कार।